इंसुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में जो है पेंक्रियाज में बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। 40 से 50 यूनिट पर डे इंसुलिन नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में सिक्रीट होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें जो इंसुलिन है वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें मात्रा कम हो जाती है और जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो जो इंसुलिन है वो काम कम करता है। जिनका पहली बार जैसे डायबिटीज़ का उनको डायग्नोसिस हुआ है तो इंसुलिन स्टार्ट करने का उसमें इंडिकेशन है। हर पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द इंसुलिन पेन, ठीक है। ये कार्ट्रेज बेस्ड होता है, इसमें ये कार्ट्रेज होता है यहाँ पे और यहाँ निडल होता है, ठीक है। इसमें जो जितना भी यूनिट्स एडवाइस किया गया है डॉक्टर के फॉर्म से तो हम इसको लोड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये है जैसे इसमें दिस इज़ द नंबर्स, ठीक है। ये हमने इसको लोड किया है, ठीक है, और हम इसको इंसुलिन को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब इंजेक्टिंग साइट्स क्या क्या हो सकती हैं, हम एब्डोमन पे दे सकते हैं, हम थाइस के एंट्री पार्ट पे दे सकते हैं, हम जो है अपर पार्ट ऑफ आर्म में दे सकते हैं। दीज आर द रीजनेबली गुड साइट्स, ओके। तो जब हम इंसुलिन देते हैं तो हमें स्किन का फोल्ड पकड़ के 90 डिग्री पे इंजेक्ट करना है, और इंजेक्ट करने के बाद हमें 1 to 10 काउंट करना है ताकि जो एडिक्वेट इंसुलिन की अमाउंट है वो प्रॉपरली चली जाए, ताकि स्पिल ना हो जाए या जो स्किन का ऊपरी भाग है उसमें ना रह जाए। तो दिस इज़ द राइट वे टू गिव द इंसुलिन। एंड अनदर फॉर्म्स आर द वायल्स। जो वायल्स होते हैं वो जैसे उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसके लिए अलग टाइप के जो है इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन सिरिंज आती हैं। तो उसमें जो है आप जितने भी यूनिट्स उसमें नंबरिंग होती है 0 to 100, मान लीजिए आपको 24 यूनिट्स आपको एडवाइस किया है, तो उसी तरीके से आप उसमें लोड करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसको एब्डोमन पर दे सकते हैं, एब्डोमन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, या फिर आप जो है अपर आर्म में दे सकते हैं, थाइज में दे सकते हैं, ठीक है। रोटेट रोटेट करके देना है आपको, रिपीट नहीं करना है।